गर्मी का मौसम आते ही संक्रामक रोग अपने पांव पसारने लगते हैं। लोगों की थोड़ी सी लापरवाही उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती है। इस मौसम में डायरिया, कालरा, चिकन फॉक्स से लोग ज्यादातर ग्रसित रहते हैं। इस समय जिला संक्रामक रोग विभाग संक्रामक रोगियों से भरा पड़ा है। पिछले 24 दिनों में अब तक 300 से ऊपर रोगियों को भर्ती कराया जा चुका है। ये सभी संक्रामक रोग से पीड़ित हैं। रोगियों में अधिकतर शहरी क्षेत्र के हैं। जनवरी 2016 से अब तक कुल 1366 संक्रामक रोगी इस अस्पताल में आ चुके हैं। संक्रामक रोग विभाग में संसाधनों की कमी के बावजूद वहाँ भर्ती रोगियों का इलाज बेहतर ढंग से किए जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अस्पताल के जिम्मेदारों का मानना है। संक्रामक रोग से पीड़ितों के परिजनों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि संक्रामक रोग विभाग में अब बेहतर सुविधा उपलब्ध है। सर, हम ग्राम सरयापुर छपियाँ जिला गोरखपुर से इनको लेकर आए हैं और कल सुबह शाम को 7 बजे लेकर आए थे इनको। सर, कालरा हो गया था। और यहाँ पे इलाज इनकी सही से हो गया? यहाँ पे सर इलाज तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। आज शाम तक डॉक्टर इनको रेफर करने के लिए बोले हैं। बाकी सर कोई कमी नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे 1 रुपया भी कोई घूस उस नहीं लिया है। 23 तारीख को रात में जो है वो आई हैं और इनको जो पेट में दर्द था, बहुत काफ़ी दर्द था और पेट जो है एकदम जो है दस्त हो रहा था। जी जी, कोई परेशानी नहीं, कोई कमी तो नहीं था। अभी बहरहाल डॉक्टर ने जो दवा दिए हैं, बहरहाल बहुत अच्छा दवा दिए हैं बेचारे, और इस वक्त जो कंट्रोल है।